को वेलकम बैक टू मम्मी का किचन। और मम्मी के किचन में आज हम बना रहे हैं चिकन शाश्लिक विद एग फ्राइड राइस। तो चिकन शाश्लिक का सामान मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 200 से 250 ग्राम के करीब चिकन। इसके अलावा दो लहसुन के जवे चाहिए हमें, जिसको हम क्रश कर लेंगे। इसके अलावा भर के एक प्याली हमें केचप की चाहिए, दो चम्मच चिली गार्लिक सॉस चाहिए, एक भर के प्याली हमें टमाटो पेस्ट की चाहिए, थोड़ी शिमला मिर्च और थोड़ी हमें प्याज चाहिए। इसके अलावा चिली सॉस और सोया सॉस, सिरका और ऑयल, ये हमें सब चीज़ें दो दो चम्मच चाहिए। इसके अलावा हमें थोड़ी यखनी चाहिए होगी सॉस के लिए। और इसके अलावा इसमें हमें जो मसाले डालने हैं उसमें हमें एक चम्मच भर के कुटी हुई मिर्चें, एक चम्मच भर के हमें काली मिर्चें, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही चीनी का चाहिए। और इसके अलावा जो हम मैरिनेशन में डालेंगे चिकन को, हम पहले मैरिनेट करेंगे, उसमें हमें एक चम्मच कुटी हुई मिर्चों का, काली मिर्चों का, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच चीनी का चाहिए। अब हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। मैंने चिकन बॉल में डाल दिया, तो अब मैं इस पर लहसुन जो है वो क्रश कर लेती हूँ। अब ये देखें हमने गार्लिक डाल दिया है इसमें, अब हम बाकी मसाले डालेंगे। इसमें हमने मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें सिरका डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। ये हमारा मैरिनेट हो गया। अब हम इसे एक साइड पर रख देते हैं और अपने राइस की तैयारी करते हैं। ये एग फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने चावल, दो कप के करीब चावल लेके मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया। राइस का मैंने आपको बता दिया था। अब उसमें राइस में डालने के लिए जो हमें वेजिटेबल चाहिए, उसमें हमें एक प्याला भर के हमें बंद गोभी का चाहिए, एक प्याली भर के हमें शिमला मिर्च चाहिए, दो अंडे चाहिए, थोड़ा सा जर्दी का रंग चाहिए जो हम इसमें अंडे में कलर मिलाएंगे। इसके अलावा थोड़ी सी हमें हरी प्याज चाहिए, एक प्याली भर के हमें गाजर की चाहिए। इसके अलावा जो हम सॉस डालेंगे उसमें चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये सब दो दो चम्मच जाएंगे और दो ही चम्मच हमें ऑयल चाहिए होगा अंडे फ्राई करने के लिए। इसके अलावा जो मसाले जाएंगे उसमें आधा चम्मच हमें चाइनीज सॉल्ट चाहिए, एक चम्मच भर के हमें काली मिर्च, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च और एक चम्मच भर के हमें नमक का चाहिए। अपने एग फ्राइड राइस बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ, दो चम्मच ऑयल के मैंने आपको बोला था। तो सबसे पहले हम इसमें गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है। सबसे पहले हम गाजर फ्राई करेंगे। देखिए गाजर मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, हम ये सब्जी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी नमक और काली मिर्च साथ साथ डालते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम सिरका और सोया सॉस भी डालेंगे। देखिए हमने सिरका और सोया सॉस डाला था थोड़ा सा, अब हम अपनी बंद गोभी डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है, नरम हो जाती है, तो हमें अपनी जो सब्जी है वो बिल्कुल फ्रेश रखनी है, ज़्यादा भूनना नहीं है। गोभी हमारी फ्राई हो गई है। अब जो मैं है गोभी मैंने एक साइड पर कर दी है और अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं और थोड़ा सा मैंने एक चम्मच के करीब ऑयल डाला था ताकि अंडे जो है ये फ्राई हो जाए अच्छे से। देखिए अंडा हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया, हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। अब हम इसको अपनी वेजिटेबल के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए मिक्स हो गया, अब हम इसकी बस राइस डालेंगे। देखिए अब हम ये थोड़े थोड़े से राइस इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आपने बाज़ार में देखा होगा अक्सर लोग बना रहे होते हैं, थोड़े थोड़े डाल के मिक्स करेंगे तो अच्छे से ये सब जगह मिक्स हो जाएंगे, जितनी सब्जी है वो चावलों में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। देखिए अब मैं थोड़े चावल और डालूंगा ताकि मैं उसे आराम से मिक्स कर सकूँ। हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं, हमने सारे चावल अपनी वेजिटेबल में मिक्स कर दिए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले और सोया सॉस, सिरका, सोया सॉस डाला, चिली सॉस, थोड़ा और सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स करें और दम लगा। चाइनीज सॉल्ट भूल गए थे, ये भी हमने डाल दिया और बस अब हम इसे मिक्स करके और दम लगा। अब हम अपना शाश्लिक बनाना तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें। अब हम चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन हम इसमें डालेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए गलने देंगे हम इसे। देखिए अब हमारे राइस बिल्कुल तैयार हैं, साथ हम इसे देखें चिकन बनाई कर आ गया। बस हम इसे 2 मिनट तेज चूल्हे पर भून के और इसको निकाल लेंगे। चिकन हो गया था, हमने चिकन निकाल लिया और अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल फ्राई करेंगे। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप
पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो नहीं डालिए, ज़रूरी नहीं है। देखिए हम अभी प्याज टमाटर और शिमला मिर्च हो गए हैं, अब हम इसको भी निकाल रहे हैं और अब हम इसमें अपना मसाला तैयार करेंगे। अब हम एक चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे, एक लहसुन का जवा हम इसमें क्रश करके डालेंगे बारीक बिल्कुल। और अब हम इसमें अपना टमाटर पेस्ट डाल देंगे, सबसे पहले उसको थोड़ा हम भूलेंगे। ये देखिए हमारी टमाटो पेस्ट जो हमने डाली थी वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अब हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। इसमें चिली गार्लिक सॉस डालेंगे, टमाटो प्यूरी के अंदर, और इसके अंदर केचप डालेंगे और सोया सॉस सिरका वगैरह डालेंगे, इसमें सोया सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे और चिली सॉस डालेंगे। और बाकी मसाले भी हम साथ ही डाल देंगे ताकि हम इसको अच्छे से पका लें। अब हम इस सॉस को 2 से 3 मिनट पकाएंगे अच्छे से। अब देखिए 2 मिनट पकने के बाद अच्छी खासी ठीक हो गई है, तो हम इसको थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि हमारे राइस के साथ जो है वो अच्छा लगे। तो मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ, पानी नहीं डाल रही, मुझे इसमें यखनी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है और अब हम इसमें अपनी चिकन और सब्जियाँ सब एक साथ डाल देंगे। और ये हमारा शाशलिक बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है, एग फ्राइड राइस विद शाशलिक। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।